नमस्कार दोस्तों, आपको आरजे पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी 5 प्रो के जनवरी महीने के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों रियलमी 5 प्रो के अंदर जनवरी महीने का जो अपडेट है वो रोल आउट होना चालू हो चुका है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्जन की, तो 8.16 करके एक अपडेट रोल आउट हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका चेंज लॉग, और यहाँ पर आप ऑफिशियल स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। OTA के थ्रू अपडेट मिला था और स्क्रीनशॉट देख लो, जहाँ पे यार आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जो कि होगा ऑब्वियसली 5 जनवरी 2020 की। और साथ में यहाँ पे फिक्स्ड वोल्टी कॉल ड्रॉप ऑफ रिलायंस जियो ऑपरेटर, मतलब अगर आपके पास एक जियो का सिम है तो उसमें अगर आपको कॉल ड्रॉपिंग वाला इशू आ रहा था तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और साथ में फिक्स्ड द थर्ड पार्टी सपोर्ट ऐप ऑटोमेटिकली क्लीन अप व्हाइल इट इज़ लॉक्ड इन द बैकग्राउंड, मतलब कुछ बग्स वगैरह का यहाँ पे सीन था थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जो अपडेट है वो फिलहाल के लिए फेस मोड के अंदर है। आपको आगे आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर अपडेट आपके रियलमी 5 प्रो के अंदर मिल जाएगा। और बात करें अगर हम मैनुअल डाउनलोड लिंक के बारे में, तो वो भी यहाँ पे आ चुका है। अगर आप जाओगे रियलमी के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट वाले पेज पे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे 2.82 GB की साइज़ है, मतलब जो फुल पैकेज है, और 8.16 करके अपडेट है। अपडेट लॉग पे आपको वही घिसे पिटे से चेंज लॉग देखने को मिल जाएगा। वैसे जो रियलमी UI का अपडेट है वो भी आने वाला है अगले महीने, जैसे ही आएगा रियलमी 5 प्रो और रियलमी X के अंदर, सारी वीडियो सबको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको OTA बहुत जल्द मिल जाएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आ गया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।